राम राम। आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग का श्लोक नंबर 17 देखते हैं। श्रद्धया, हम एक एक अक्षर से चालू करते हैं। श्र, इसका अर्थ है आधा श और पूरा र, ठीक है। श्र, ये जो है ये आधा श है और जो नीचे है ये पूरा र है। श्र, जो पूरा उसमें अ की ध्वनि दी है, श्र। अब ये चीज जो हम पिछले इसी अध्याय की पिछली दो वीडियो में देख चुके हैं, इसका अर्थ होता है आधा द। ये जो पूरा दिख रहा है ये तो हुआ आधा, और जो ये नीचे दिख रहा है ये हुआ पूरा, ठीक है। तो क्या हुआ, श्र आधा द पूरा ध। श्रद्धया, ध पूरा इसलिए अ की ध्वनि दिए। सुनिएगा वापस शब्द, श्रद्धया श्रद्धया। परया, प और र, र पूरा इसलिए अ की ध्वनि दिए। परया तप्तम, त है इसके साथ आधे प, ये प है, तप तप तप्तम। श्रद्धया परया तप्तम, तपस, त प पूरा आधा से तपस तत। ये जहां पे भी हलंत है इसका अर्थ है कि इसकी टांग टूटी हुई है। टांग टूटी हुई का अर्थ कि ये अक्षर पूरा नहीं है, आधा है। तपस तत, जो भी आधा है उसमें अ की ध्वनि नहीं दी है। अगर हलंत नहीं होता तो हम इसको कैसे पढ़ते, तपस, ठीक है। तपस तत त्रिविधम, त्रिविधम नरहि, आई की मात्रा आ गई र पे तो नरहि, और जो विसर्ग है उसको भी हमने क्या पढ़ लिया, हई। ये चीज हमें अपनी पिछली सारी वीडियोस में देख चुके हैं। विसर्ग जो है वो हमेशा उसके पिछले अक्षर की मात्रा पे डिपेंड करता है। नरई, अई की मात्रा है नरई, तो विसर्ग को पढ़ दिया हई। अगर नरा होता तो विसर्ग को पढ़ते हा, नरा हा। अभी अई है तो नरहई। तपस तत् त्रिविधम नरहई। अफला, इस चीज का मतलब हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है, अभी इसी अध्याय की पिछले दो वीडियोस में। इसका अर्थ है का पे सिर्फ बिंदी लगाने के लिए, का। इसको प्रोनंसिएशन में कुछ यूज नहीं है, का आधा न की बिंदी यहां लगाने के लिए, का। ये क्या है, श, इसका अर्थ होता है आधा क और पूरा श, ठीक है। तो पहले क्या बोला, का पे बिंदी लग गई इसकी वजह से कान, अब इसका अर्थ होता है आधा क और पूरा श। हमने देखा था आधा क जो आधी चीज होती है उस पे मात्रा नहीं लगती, और जो पूरा है श उस पे शी बोल दीजिए। तो आधे क को का के साथ पढ़िए, कांग, क्या पढ़ेंगे, कांग। फिर श जो है ये वाला इसके साथ ई की मात्रा लगाइए, शी भेर, कांग शी भेर। समझ में आए, वापिस देखते हैं। इसका अर्थ का पे बिंदी लगाने के लिए कान, इसका आधा क पूरा श, आधे क को कांग के साथ पढ़ो, कांग, श के साथ ई की मात्रा, कांग शिभिर, कांग शिभिर। युक्त है, तई है इसलिए विसर्ग को हई पड़ा, युक्त है। अफला कांग शिभिर युक्त है। सात्विकम, देखिए यहां पर ये आधा त है और एक पूरा त है, ठीक है। सात्विकम, सात्विकम आधे तक उसके साथ पढ़ा, सात्विकम परिचक्षते, सात्विकम परिचक्षते। अब इसको राग से पढ़ते हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरहि अफला कांक्षिभिर् युक्तैः सात्विकम परिचक्षते।